हेलो दोस्तों, इन्फ्रा मटेरियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इन्फ्रा मटेरियल आ चुका है अपने एक नए वीडियो के अपडेट के साथ। और आज का हमारा वीडियो होने वाला है गाजीपुर गंगा का जो ब्रिज है वहां से लेके गाजीपुर सिटी तक, जहां तक सुखदेवपुर चौराहा है और गाजीपुर घाट का अलाइनमेंट जो निकलता है वहाँ तक का आपके लिए अपडेट लेके आए हुए हैं। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये हमारा पीछे देखिए गंगा ब्रिज है, जो स्टील स्ट्रक्चर है पूरा गंगा ब्रिज है। इसके जस्ट बगल में ये जो पोर्टल कॉलम है, ये AP1 पोर्टल कॉलम है और ये बगल में हमारा AP2 पोर्टल कॉलम है। आप लोग देख पा रहे होंगे AP1 पोर्टल कॉलम पे आप देखिए स्टेजिंग लग के शटरिंग लगा हुआ है, और AP1 पे आप लोग देखिए यहाँ पे स्टेजिंग और शटरिंग दोनों लग चुका है, मतलब इसकी कास्टिंग हो चुकी है। तो अगर ये पोर्शन को हम पुराने हामिद सेतु ब्रिज से कंपेयर करें, ये कौन सा लोकेशन है, तो ये जो है समय हुसैनी जो हॉस्पिटल है यहाँ पर, उसी के जस्ट सामने का लोकेशन है। तो ये AP1 AP2 हो गया। AP3 का अगर हम लोग देखें तो AP3 में देखिए 3 2 5, मतलब 5 जो है पियर शाफ्ट हैं, 3 जो है सर्कुलर हैं, 2 जो है किनारे पे जो हैं वो हमारे रेक्टेंगुलर पियर शाफ्ट हैं, जिनको हम लोग पोर्टल कॉलम बोलते हैं। और इधर में अगर देखें तो देखिए 2 पोर्टल कॉलम किनारे पे है और 2 केवल मिडिल में है। तो जहाँ पे जैसे लोड कैपेसिटी आ रही उसी हिसाब से डिजाइन करके यहाँ पे दिया गया है। तो अभी हम लोग चलते हैं गंगा ब्रिज के ऊपर में, मतलब ये जो अपना स्टील स्ट्रक्चर है वहाँ पे चलेंगे और ऊपर से हमारा पोर्टल कॉलम जो है कैसा दिखता है या ऊपर से देखने में कैसा दिख रहा है, ये हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएँगे। तो अभी देखिए हम लोग ऊपर आ चुके हैं। तो जैसे ही हम लोग एकदम ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ये AP1 से AP14 तक का जो है आपको पूरा यहाँ से व्यू दिख रहा है, जहाँ पे आगे गर्डर की लॉन्चिंग हुई है, जहाँ से घाट का अलाइनमेंट निकल रहा है वहाँ तक हम आपको पूरा वीडियो के माध्यम से एक एक चीज़ जो है दिखाने वाले हैं। क्योंकि एक पियर शाफ्ट से दूसरे पियर शाफ्ट की दूरी जो है वो लगभग 35 मीटर है। तो अगर हम यहाँ से 14 पियर शाफ्ट आगे जाएंगे तो 14 × 35 हो जाएगा, मतलब इतनी दूर जाके घाट का जो है अलाइनमेंट जो है कर्व हो रहा है। और अगर हम रिफ्रेंस लें हामिद सेतु पुराने ब्रिज से, तो जहाँ पे राजागंज चौकी है वहीं से जस्ट जो है हमारा गाजीपुर घाट का अलाइनमेंट जो है डाइवर्ट होना स्टार्ट हो रहा है। तो हम वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते चलेंगे। अभी देखिए ये जो अपना पियर शाफ्ट है और जहाँ पे एक स्टेजिंग लगी हुई है, ये हमारा AP4 है। तो AP4 के पास से देखिए हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और यहाँ से आपको पूरा जो है जहाँ तक गाजीपुर घाट का अलाइनमेंट है वहाँ तक पूरा जो है कितना कार्य का अपडेट है वो सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलती रहेगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इन्फ्रा मटेरियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इन्फ्रा मटेरियल यूट्यूब चैनल पर आप थैंक्स को डोनेट करिए, जिससे इन्फ्रा मटेरियल को और भी वीडियो बनाने में मदद हो सके। तो जल्दी से जल्दी इन्फ्रा मटेरियल यूट्यूब चैनल को थैंक्स अपडेट दीजिए। तो जैसा कि अभी हम लोग देखिए AP9 पियर शाफ्ट के पास आ गए हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे रेक्टेंगुलर पियर शाफ्ट नहीं है, केवल सर्कुलर ही पियर शाफ्ट हैं। तो यहाँ पे कोई रेक्टेंगुलर पियर शाफ्ट नहीं है, यहाँ पे केवल सर्कुलर पियर शाफ्ट है। और जैसे ही इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे की जितनी भी डिजाइने हैं वो सारी जो है सेम है, सब जहाँ पर 3 पियर शाफ्ट है जो कि सर्कुलर पियर शाफ्ट है, कोई भी रेक्टेंगुलर पियर शाफ्ट यहाँ पर नहीं है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर 11 नंबर जो अपना है, ये जो कैप है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे गर्डर यहाँ पे रखा गया, यहाँ पे गर्डर के ऊपर डेक स्लैब की भी कास्टिंग हो गई है। और यहाँ पे देखिए कुछ ब्रैकेट लगे हैं ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, इन्हीं के माध्यम से जो है स्टेजिंग अरेंजमेंट किया जाता है, जिससे जो है कास्टिंग होती है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम आपको पूरा क्लियरली जो है यहाँ पर एक एक चीज़ की जानकारी दे रहे हैं, वो भी पूरा दिखाते हुए। और यही वो लोकेशन है, यही वो लोकेशन है जहाँ से जो है गाजीपुर घाट का अलाइनमेंट जो है टर्न लेना स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसके जस्ट बगल में ही हमारा राजागंज चौकी है। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे जहाँ पे हाइड्रा और जेसीबी का मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे मटेरियल शिफ्टिंग का प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि मटेरियल यहाँ से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में लेके जाने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ हम लोग करते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं 14 नंबर पर, ये होता है 14 नंबर जो कि राजागंज चौकी से थोड़ा सा आगे है। यहाँ पे ये स्टेजिंग अरेंजमेंट है ऊपर जाने के लिए, यहाँ से आप अगर पहुँचेंगे तो यहाँ से ऊपर जाने का भी रास्ता है, पूरा ऊपर का भी वो आप लोग देख सकते हैं। और अभी आप देखिए तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है धीरे धीरे गाजीपुर घाट अलाइनमेंट की तरफ कर्व हो जाएंगे, जहाँ से गाजीपुर घाट का अलाइनमेंट जो है दिखेगा। क्योंकि जहाँ से स्टार्ट होता है कर्व होना, वहाँ से दिखना आप लोगों को नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि जहाँ पे वो लगभग 50 से 60 मीटर बेंड हो चुका होगा वहीं पे आप लोगों को क्लियर विजिबिलिटी आएगी। तो अभी हम लोग देखिए अब धीरे धीरे गाजीपुर घाट अलाइनमेंट की तरफ मुड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है गाजीपुर घाट का अलाइनमेंट बहुत ही प्रॉपर विजिबल हो जाता है।
तो यही वो लोकेशन है जहाँ से गाजीपुर घाट अलाइनमेंट जो है निकला हुआ है। जब आप राजाकंद चौकी की तरफ से आगे की तरफ आएंगे तो आपको एक ट्रांसफार्मर का लोकेशन मिलेगा, जो कि अभी हम लोग ऊपर चलते हैं तो आपको दिखाएंगे वो लोकेशन। और यही वो लोकेशन है जो गाजीपुर घाट को जाएगा, और इससे आने वाली जो अगली वीडियो होगी वो हमारी गाजीपुर घाट सेक्शन से होगा, इसके जस्ट आगे का हम लोग पार्ट बनाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यही वो लोकेशन है जो गाजीपुर घाट को जाने वाली है।